सरदारगंज में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत संचालित सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति के लिए 9 थीम्स और 17 गोल्स विषय पर आधारित आशा कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए कृषि मंडी 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रशिक्षण में मौके पर ट्रेनर धनंजय सक्सेना ने कहा कि 70% बीमारियां दूषित पानी से भी होती है। वर्तमान समय में पानी की स्थिति तेजी से खराब हो रही है, साथ ही मौसम चक्र के उत्पन्न हो रही दूषित जल की समस्या के बारे में आशा कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। साथ ही ग्रामीण स्तर पर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार से संचालित योजना के बारे में आशा कार्यकर्ती और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बताया गया। SDG गोल सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति हुई, ये जो 193 देश के राष्ट्र अध्यक्षों ने उसमें दस्तखत की है और उसमें यह है कि हमें 17 गोल जो थे हमारे, उन 17 गोलों को 9 गोलों में समाहित किया गया है और वो गोल ऐसे हैं जो हमारे ग्रामीण स्तर से जुड़े हुए थे। इसके अंतर्गत 2030 तक इन लक्ष्यों की हमें पूर्ति करनी है। जो सतत विकास लक्ष्य है हमारे, वो हमारे सबसे पहली चीज़ है एक गांव, स्वस्थ गांव, बाल हितैषी गांव और आपका पर्याप्त जलयुक्त गांव, इसके साथ साथ सुशासन वाला गांव और महिला हितैषी गांव, बाल हितैषी। इस तरीके से 9 थीमें जिनको लेके यहां पे हर विकास खंड में 6-6 दिन का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। पहले 2 दिन हमारे सम्मानित प्रधान जी लोग हैं, इसके बाद हमारे 6 पंचायत सदस्य और एक ही विभाग के अधिकारी लोग हैं, इसके बाद लास्ट स्टेज में हमारी है आंगनवाड़ी, आशा, एनएम और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है कि ये संदेश जो है गांव तक जाए और जो भी ग्राम विकास योजना बनती है उसमें इन 9 थीम को लेके जो है सर्वेण विकास के लिए ये प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। ये उधम सिंह नगर के 7 विकास खंडों में जो है क्रमानुसार कराया जा रहा है। आज ये दूसरा ब्लॉक है हमारा।